मूवी की शुरुआत में हमें रिक नाम का गैंगस्टर दिखाया जाता है जो अब काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि हाल फिलहाल में उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है। साथ ही किडनैपर्स उसे धमकी देने लगते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी होगी वरना तुम्हारे बेटे को भी खत्म कर दिया जाएगा, जो बात जानकर रिक काफी ज्यादा अपसेट था, जो अपनी बीवी की तलाश में न्यूयॉर्क चला जाता है क्योंकि वहां पर सेल्वेटोर नाम का ड्रग डीलर ऑपरेट किया करता था और यही बंदा रिक को उसकी वाइफ की जानकारी दे सकता है। जिसके बाद हमें सेल्वेटोर नाम का ड्रग डीलर दिखाया जाता है जिससे माल खरीदने के लिए दो ठग्स यहां आ जाते हैं, मगर सेल्वेटोर को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि ये दोनों असल में अंडरकवर पुलिस वाले जो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। मगर ये पुलिस वाले अपने मिशन में कामयाब हो पाते उससे पहले ही रिक यहाँ आ जाता है जो सेल्वेटोर के गुंडों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जो देखकर सेल्वेटोर की पूरी तरह से चटक जाती है। ऑब्वियसली वो बंदा पूरी तरह से फट्टू था, तो जब रिक उसे इंटेरोगेट करने लगता है तब वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए रिवील कर देता है कि तुम्हारी वाइफ को किडनैप करने वाला आदमी एल जोनस है जो कि असल में एक क्लब का ओनर है। तो जानकारी मिलते ही रिक यहां से जाने लगता है, इस बात से बेखबर कि इस रूम में दो अंडरकवर पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो माइक ब्रेसलिन नाम का ऑफिसर उसका पीछा करने लगता है जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी चेस चालू हो जाती है, मगर रिक काफी ज्यादा चालू था जो माइक को बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल जाता है, जो देखकर माइक काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि रिक की वजह से उसका मिशन फेल हो चुका था। साथ ही अब वो रिक को भी कैप्चर नहीं कर पाया है, तो स्टेशन चीफ उसे तसल्ली देने लगती है कि तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टियां ले लेनी चाहिए क्योंकि तुम अभी भी अपने गम से बाहर नहीं निकल पाए हो। जिस बात पर माइक ध्यान नहीं देता है क्योंकि अब वो कैसे भी करके रिक को अरेस्ट करना चाहता है। जिसके बाद सेल्वेटोर को इंटेरोगेट किया जाता है तो माइक उससे सवाल करने लगता है कि तुम पे हमला करने वाला आदमी आखिर कौन था, क्योंकि उस बंदे का पुलिस डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। तो सेल्वेटोर उन्हें टॉन्ट करने लगता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो रिक कैलोवे है जो एक गैंगस्टर होने के साथ साथ टॉप क्लास हैकर है, यानी वो जब चाहे तब पुलिस की डेटा फाइल्स को डिलीट कर सकता है और इसी वजह से तुम्हें उसकी कोई भी फाइल्स नहीं मिली है। जो बात जानकर माइक सीरियस हो जाता है क्योंकि अब उसके हाथ बड़ी मछली लगने वाली थी, जो सेल्वेटोर से सौदा करने लगता है कि अगर तुम हमें रिक की जानकारी दो तो हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं, जो डील सेल्वेटोर को पसंद आ जाती है, जो इन्हें जानकारी देने लगता है कि असल में रिक आर्केंसस का रहने वाला है जहां पर उसके फादर जैक कैलोवे बहुत बड़े क्राइम लॉर्ड है जो तुम्हारे काम को इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। जिसके बाद हमें आर्केंसस में बढ़िया सा मेंशन दिखाया जाता है जो कि असल में रिक के फादर जैक को बिलोंग किया करता था। वेल जैक आर्केंसस का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है जिसे उसका आदमी इन्फॉर्म कर देता है कि रिक ने आज फ्रैंक के आदमी सेल्वेटोर पर हमला कर दिया था, जिस हमले में फ्रैंक के कुछ आदमी मारे गए हैं। साथ ही सेल्वेटोर को अरेस्ट कर दिया गया है, यानी अपनी जान बचाने के लिए सेल्वेटोर कभी भी अपना मुंह खोल सकता है। जो बात जानकर जैक काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि सेल्वेटोर का मुंह खोलना उनको भारी पड़ सकता है, तो वो अपने आदमी के थ्रू सेल्वेटोर का खून करवा देता है। मगर उसकी ये हरकत फ्रैंक डिएगो को पसंद नहीं आती है जो कि जैक की तरह आर्केंसस का बड़ा ड्रग लॉर्ड था, तो वो जैक को कॉल करके उसे वार्न कर देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने बेटे रिक को कंट्रोल करना होगा वरना दोनों कार्टल्स के बीच जंग छिड़ जाएगी। तो जैक फाइनली रिक को कांटेक्ट करने लगता है, मगर रिक अपने फादर से बात करना नहीं चाहता था, तो जैक उसे मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में वांटेड करार कर दिया गया है। जैसे रिक को पता चल जाता है कि उसका पीछा करने वाला ऑफिसर माइक ब्रेसलिन था, तो वो चुपके से माइक के सिस्टम को हैक कर लेता है जहां पर माइक की पर्सनल फाइल्स मौजूद थी। तो इन्हें देखकर रिक को समझ आ जाता है कि माइक की वाइफ असल में प्रेग्नेंट थी, जिसे कार्टल वालों ने बिल्डिंग के ऊपर से फेंक कर जान से मार दिया था। जिसके बाद हमें भारी मलूक सा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक क्लब को रन किया करता था, और यही बंदा एल जोनस है जिसके बारे में सेल्वेटोर ने रिक को जानकारी दे दी थी। तो रिक अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए यहाँ आ जाता है, जो जोनस को कूट काट कर इंटेरोगेट करने लगता है। तो जोनस उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मैं तो बस एक मिडल मैन हूँ जो एक कार्टल से दूसरे कार्टल के बीच माल की तस्करी किया करता हूँ,
तो रिक उससे पूछताछ करने लगता है कि मेरी वाइफ को किडनैप करने का काम आखिर किसने दिया था। तो जोनस अपनी जान बचाने के लिए रिवील कर देता है कि रेचल को किडनैप करने के ऑर्डर्स फ्रैंक डिएगो ने दिए थे, जो बात जानकर रिक की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि फ्रैंक डिएगो उसके फादर का दोस्त था। मगर वो यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही पुलिस यहाँ आ जाती है, जो रिक को रंगे हाथों अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिक माइक से मिलने की डिमांड करने लगता है। तो माइक उससे सवाल करने लगता है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो। तो रिक उसे क्लियर कर देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, जो बात जानकर माइक काफी कंफ्यूज था। तो रिक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे मेरे होम टाउन आर्कैनसस भेजा जा रहा है, मगर ट्रांसफर के दौरान मुझ पर हमला करवाया जाएगा, क्योंकि मुझे एक ड्रग कार्टल का बॉस मारना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफर के दौरान तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। जिस पर माइक सवाल करने लगता है कि तुम्हारे मरने और जीने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आखिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करने वाला हूँ। जिस पर रिक उसे सौदा करने लगता है कि असल में मैं तुम्हारी वाइफ के किलर्स को जानता हूँ, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट करो तो मैं तुम्हारी वाइफ के किलर्स की जानकारी दे सकता हूँ। जो बात जानकर माइक की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से अपनी वाइफ की किलर्स को ऊपर पहुंचाना चाहता है। तो बिना हेजिटेशन के रिक की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हमें आर्कैनसस का सीन दिखाया जाता है, जहां रिक को कैद करने के लिए लाया जा रहा था। तो माइक उसे लेकर लोकल स्टेशन चला जाता है, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि स्टेशन पर हमला होने वाला है, और ऐसा होता भी है। रिक को टंकी खाली करते समय किडनैप कर लिया जाता है, जो देखकर माइक काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि अब रिक उसके हाथ से निकल चुका था, यानी अब वो अपनी बीवी के कातिलों के बारे में भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा। तो वो यहीं रुककर रिक को ढूंढने की प्लानिंग करने लगता है, पर तभी यहाँ पर शेरिफ विलियम डॉज आ जाता है, जो माइक को तसल्ली देने लगता है कि जल्द ही रिक को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। जिसकी बात सुनकर माइक को एहसास हो जाता है कि ये शेरिफ प्रोबेबली करप्ट है, जैसे हमले के बारे में पहले से मालूम था। तो वो स्टेशन चीफ ब्रिक से गुजारिश करने लगता है कि वो भी उनकी टीम के साथ रिक को ढूंढना चाहता है। तो ब्रिक्स कुछ सोचकर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, साथ ही वो माइक को वार्न करने लगता है कि तुम्हें हर समय ऑफिसर जोई की नजर में रहना होगा, वरना तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। जिसके बाद माइक जोई के साथ पेट्रोलिंग पर निकल जाता है, मगर उन्हें एक बंदे ने जाते हुए देख लिया था, जो उन्हें फॉलो करते हुए एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। वेल, ये बंदा असल में ऑफिसर जोई का भाई था, जिसे अपनी सिस्टर की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर को कैलो फैमिली से दूर रखना चाहता है, मगर जोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। साथ ही माइक को पता चल जाता है कि ये बंदा असल में रिक के बारे में जानता है, तो वह जोई के भाई से रिक के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिस पर वो बंदा रिवील कर देता है कि आर्कैनसस के सबसे बड़े कार्टल्स जैक और फ्रैंक नाम के आदमी चलाते आ रहे हैं, जहां जैक कैलोए रिक का फादर है। और रही बात फ्रैंक डिएगो की, वो रिक की वाइफ का किडनैपर है, जो अब रिक को चांस से मारना चाहता है, और शायद पुलिस स्टेशन पर हमला भी फ्रैंक ने करवाया होगा। तो ये सब जानकर माइक और जोई भी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जिसके बाद हमें फ्रैंक डिएगो दिखाया जाता है, जो जेक से रिक की डिमांड करने लगता है कि अगर तुम दोनों कार्टल्स के बीच वॉर नहीं चाहते हो तो तुम्हें रिक को हैंडओवर करना होगा, जो बात जैक को जरा भी पसंद नहीं आती है। मगर फिर भी वो फ्रैंक को वार्न कर देता है कि मैं अपने बेटे का मैटर खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ, जिसकी बातों पर फ्रैंक जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अब वो कैसे भी करके रिक की जान लेना चाहता है। तो वो अपने बेटे फ्रैंक डिएगो को बुलाकर ऑर्डर्स दे देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द रिक को ढूंढना होगा। तो रिक का नाम सुनकर जॉन की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि वो भी रिक का खून करना चाहता है। वहीं माइक ब्रिक्स के साथ जैक के घर चला जाता है, ऑब्वियसली वो जैक के थ्रू रिक तक पहुंचना चाहता है, मगर जैक उन्हें क्लियर कर देता है कि मेरा और रिक का रिश्ता खत्म हो चुका है, जिस वजह से मुझे रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो बात सुनकर माइक काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि जैक की बातों से उसे एहसास हो चुका था कि जैक उनसे झूठ बोलता आ रहा है। साथ ही उसे यहाँ पर एक कार नजर आ जाती है, जो रोजाना उन पर नजर रखा करती थी, एंड सरप्राइजिंगली ये कार शेरिफ विलियम डॉज की थी। तो उसे एहसास हो जाता है कि विलियम डॉज एक करप्ट पुलिस वाला है, जो जैक के लिए काम करता आ रहा है।
यानी पुलिस स्टेशन पर हमला करवाने वाला आदमी फ्रैंक की बजाय जैक था, जो ऑब्वियसली फ्रैंक से अपने बेटे को बचाना चाहता है। और फिर जल्द ही रात हो जाती है, जहां माइक और जोई एंजॉय करने के लिए क्लब चले जाते हैं, मगर इन लोगों का रोमांटिक मूड खराब कर दिया जाता है क्योंकि शेरिफ डॉज यहां आ चुका था। वेल, शेरिफ डॉज जोई का एक्स हस्बैंड है, जो अपनी एक्स वाइफ को किसी आदमी के साथ देखना नहीं चाहता है, तो जोई उसे वार्न कर देती है कि अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, तो बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो, जिसकी बात डॉज को पसंद नहीं आती है और अब वो कैसे भी करके जोई से बदला लेना चाहता है। वहीं अब जैक पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि सभी लोग उसके बेटे को मारना चाहते हैं, तो वो सीक्रेटली अपने बेटे को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारे आर्कैनसास छोड़ने की तैयारियां करवा दी गई हैं, तुम्हें जल्द से जल्द ये सिटी छोड़ना होगा, वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा, जो वह जानकर रिक काफी ज्यादा अपसेट था। मगर वो यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही यहाँ पर जॉन डिएगो आ चुका था, जो जैक के सभी गुंडों को मारकर रिक को कैप्चर कर लेता है, जो सब जानकर जैक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा जान से मरने वाला है। वहीं पुलिस वालों की पूरी यूनिट कार्टर्स पर रेड मारने के लिए रेडी हो चुकी थी, तो मैक चीफ ब्रिक्स को एक फाइल हैंडओवर कर देता है, जिसमें फ्रैंक और उसके कार्टल की सारी जानकारी मौजूद थी। ऑब्वियसली इस फाइल को रिक ने भिजवाया होगा, जो पुलिस के हाथों फ्रैंक कार्टल को डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। और फिर जल्द ही पुलिस रेड मारने लगती है, जहां उन्हें रेड के दौरान काफी सारे ड्रग हाउस मिल जाते हैं, जिसमें बहुत सारा ड्रग मौजूद था, तो पुलिस बिना हेजिटेशन के इन ड्रग्स को जब्त कर लेती है। मगर तभी जोई को घर से फोन आने लगता है, जिसे सुनकर जोई पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि किसी ने जोई के भाई का खून कर डाला था, तो माइक उसे तसल्ली देने लगता है, जिसका जोई पर जरा भी असर नहीं होता है, क्योंकि अब वो बदला लेना चाहती है। साथ ही उसे एहसास हो चुका था कि उसके भाई का किलर प्रोबेबली शेरिफ डॉज होगा, तो ये दोनों बदला लेने के लिए शेरिफ डॉज के घर चले जाते हैं। मगर शेरिफ डॉज कुछ ज्यादा ही चालू था, जो इन लोगों को तगड़ी टक्कर देने लगता है, साथ ही वो इन्हें बेवकूफ बनाकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है। वहीं रिक को ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा था, जहां जॉन उससे सवाल करने लगता है कि आखिर तुम मेरे फादर के बिजनेस को टारगेट करना क्यों चाहते हो, जिस पर रिक उसे टॉन्ट करने लगता है कि इस सवाल से पहले तुम्हें ये पता देना चाहिए कि आखिर तुम लोगों ने मेरी वाइफ को कहां रखा हुआ है। तो रेचल का नाम सुनकर जॉन तंग रह जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर रिक खुद को आजाद करा लेता है, जो जॉन के बॉडीगार्ड्स को मारकर जॉन को इंटरोगेट करने लगता है। तो जॉन उसे इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारी वाइफ को तो काफी दिन पहले ही ऊपर पहुंचा दिया गया है, जो वह जानकर रिक की पूरी तरह से सनक जाती है, तो वह जॉन को उल्टा टांग कर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जो सीधा फ्रैंक के पास जाने लगती है। तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर फ्रैंक की पूरी तरह से सनक जाती है, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने बेटे को रेस्क्यू करने जाने लगता है। साथ ही उसने जैक के कार्टल में मौजूद अपने डबल एजेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हें कैसे भी करके जैक और रिक का खून करना होगा, जो बात सुनकर डबल एजेंट काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर जल्द ही फ्रैंक अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, जो जल्दी जल्दी अपने बेटे को नीचे उतारने लगता है, मगर रिक ने उस पर ग्रेनेड्स लगा दिए थे, जिसे नीचे उतारते ही यहाँ पर तगड़ा धमाका हो जाता है, यानी अब रिक के दुश्मन ऊपर पहुंच चुके थे। जिसके बाद हमें जैक का घर दिखाया जाता है, जहां रिक अपने फादर से सवाल करने लगता है, तो जैक फाइनली उसे रिवील कर देता है कि तुम्हारी वाइफ रेचल असल में अंडरकवर डीए एजेंट थी, जो शुरुआत से ही हमारे कार्टल्स की इन्फॉर्मेशन डीए तक पहुंचाती आ रही है। यकीन मानो रिक, वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो तो तुम्हारा यूज करके हमारी डिटेल्स निकालना चाहती थी, जो बात जानकर रिक काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो जैक कंटिन्यू करने लगता है कि रेचल की सच्चाई बाहर आते ही उसे किडनैप करवा लिया गया था, जो बात जानकर रिक काफी ज्यादा दुखी था, तो वो अपने फादर से सवाल करने लगता है कि इस समय रेचल को कहां रखा गया है। तो जैक सैडली उसे इन्फॉर्म कर देता है कि रेचल के बारे में फ्रैंक को पता चल चुका था, जिसने रेचल को किडनैप करके शेरिफ डॉज के हाथों मरवा दिया था, जो बात जानकर रिक की पूरी तरह से सनक जाती है, जो अब शेरिफ डॉज का खून करना चाहता है। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले फ्रैंक का डबल एजेंट यहाँ आ जाता है,
जो जैक को मारने के लिए उस पर गोली चला देता है, मगर वो अपने इरादों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही माइक यहाँ आ चुका था, जो इस बंदे पर हमला कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर ये डबल एजेंट काफी पावरफुल था, जो माइक की धज्जियां उड़ाने लगता है, मगर वो माइक को जान से मार पाता उससे पहले ही चीफ ब्रिक्स यहाँ आ जाता है, जो माइक की जान बचाने के लिए इस बंदे को ऊपर पहुंचा देता है। वहीं रिक शेरिफ को हंट करते हुए उस तक पहुंच जाता है, तो शेरिफ उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैं एक पुलिस वाला हूं, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें फुल फोर्स के साथ हंट किया जाएगा। जिसकी बातों पर रिक जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो बस अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता था। तो वो एज अ रिवेंज शेरिफ को अपनी वाइफ की डेड बॉडी के सामने काट देता है, और ऐसा करते हुए उसका रिवेंज भी पूरा हो चुका था। तो यहाँ से जाने से पहले जैक उसे दोबारा से इन्फॉर्म कर देता है कि रेचल तुमसे जरा भी प्यार नहीं करती थी, तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। जिसके बाद रिक अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है, जहाँ पर रिक का बेटा ट्रॉय और उसकी केयरटेकर मौजूद थी। तो वो इन दोनों को लेकर सिटी छोड़ने का प्लान करने लगता है, मगर उसके जा पाने से पहले ही ब्रिक्स और माइक यहाँ आ जाते हैं, जो फिर कुछ सोचकर रिक को बख्श देते हैं, क्योंकि रिक का फादर जैक अभी भी जिंदा था, जो रिक को बचाने के लिए उनकी फैमिलीज को हर्ट कर सकता है, और इसी वजह से रिक की जान बख्श दी जाती है। लास्ट सीन में हमें माइक दिखाया जाता है, जिसे अपनी वाइफ की याद आने लगती है, मगर एक दिन उसे रिक का मैसेज आ जाता है। ऑब्वियसली रिक अपने एंड की डील को पूरा करना चाहता था, यानी अब माइक को अपनी वाइफ के किलर्स की जानकारी मिल चुकी थी, तो वो बदला लेने के लिए रेडी होने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।